नमस्कार दोस्तों, बिंजन कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे आलू। ये व्रत और उपवास में भी खा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से झटपट बनने वाले हैं। ये कैसे बनते हैं जानने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहेगी और ऐसे ही नए नए व्यंजन आप बनाकर खाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चटपटा आलू बनाने के लिए हमने कुछ आलू लिए हैं, 5 से 6 आलू, जिसको छिलकर हमने पानी में भिगोकर रख दिया है। और जब तक ये पानी में भिगोकर रहेगा तब तक हम कुछ मूंगफली के दाने और कुछ सफ़ेद तिल के दाने जो हैं उसे भूनकर साइड में रख लेंगे। तो ये देखिए, हमने मूंगफली के दाने लिए हैं करीब 50 ग्राम जितने, और इसको हम अच्छी तरह से धीमी आँच पर भून लेंगे। और भुनने के बाद, इसके छिलके निकालने के बाद, इसको थोड़ा सा कूट लेना है। हालांकि बारीक पाउडर नहीं करना है, लेकिन हल्का हल्का इसको कूट लेना है। कुछ वैसे ही ये हमने 2 चम्मच जितने सफ़ेद तिल के दाने लिए हैं, इसको भी हल्का भुनना है। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का गर्म हो तब तक। फिर ठंडा होने के बाद इसे भी हल्का हल्का कूट लेना है, लेकिन याद रहे ज़्यादा पाउडर नहीं करना है। तो ये तिल जो है वो भी हमने भून लिए हैं। तिल और मूंगफली जो है वो चटपटे आलू में थोड़ा सा क्रंचीपना जो है उसको ऐड करेगा और स्वाद भी मिलाएगा। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट आलू बनेंगे, आप याद रखिए। अब आलू को हमने पानी से निकाल लिया है और आलू को कुछ इस तरह से हमने काट लिया है, पहले स्लाइस और फिर बाद में जैसे हम चिप्स बनाते हैं, फिंगर चिप्स, कुछ वैसे शेप में हमने काट लिया है। वैसे आप जैसे चाहे वैसे शेप में काट सकते हैं, पसंद आपकी जो भी हो उस आकार में आप आलू को काट सकते हैं। तो ये देखिए, हमने आलू के ये चिप्स काट लिए हैं, जैसे हम फिंगर्स बनाते हैं कुछ वैसे। तो इसे भी हमने पानी में रख दिया है और कुछ देर पानी में रखने के बाद इसे हम पानी से निकाल लेंगे। पानी में थोड़ी देर रखने से इसका जो स्टार्च है, एक्स्ट्रा स्टार्च, वो निकल जाएगा और ये आलू जो हैं वो जब हम फ्राई करेंगे थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो ऐसे छलनी से आप पानी में निकाल दीजिए पानी में से, और छलनी से पानी निकल जाए उसके बाद उसको हमें फ्राई करना है। तो कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है गरम करने के लिए, और फिर ये आलू हमने उसमें डाल दिया है। मध्यम आंच पर आलू को फ्राई करना है जब तक कि हल्के ब्राउन रंग के ना हो जाए, और हम बीच बीच में आलू को थोड़े हिलाते रहिएगा ताकि एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन और एक तरफ से हल्के कच्चे ना रह जाए। तो बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा और ये आलू हल्के से क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसको आप फ्राई कीजिए। देखिए, कुछ ऐसे हल्के ब्राउन रंग के हो गए। अब इसको हम निकाल देंगे और टिश्यू पेपर वाले बर्तन में इसको रख देंगे। टिश्यू इसलिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो टिश्यू ले लेगा और ये आलू जो है वो एकदम सूखे हो जाएंगे, उस पर ज़्यादा तेल नहीं रहेगा। तो ये देखिए, आलू हमारे फ्राई होकर तैयार हैं। जब सारे आलू आप फ्राई कर लें, फिर एक बड़े से बर्तन में डालकर, हमने इसमें डाला है हल्का सा नमक, व्रत उपवास में सेंधा नमक डाल सकते हैं। ये है चाट पाउडर, अगर चाट मसाला व्रत उपवास में नहीं खाते हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये है काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और ये मूंगफली के दाने जो हमने पहले भून लिए उसको हल्का हल्का हमने कूट लिया था, आप देख सकते हैं ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं किया है हमने, तो ये इसमें ऐड करना है। और ये है सफ़ेद तिल, ये भी हमने हल्का हल्का कूट लिया है और फिर इसमें ऐड करना है। और अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच हरी चटनी। ये चटनी हमने पुदीना, धनिया, अदरक, मिर्ची और नींबू, इतनी चीज़ें मिलाकर बनाई है। तो ये भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, इसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब इस पर देना है तड़का, जीरे का तड़का। तो हमने 2 चम्मच तेल लिया है और इसमें जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हींग डाला है, और जैसे ही तड़का आ जाए, जितने आलू हमने रखे हैं जिसमें मसाले अभी अभी डाले हैं उसके ऊपर ये तड़का आपको डाल देना है। तो बहुत ही मज़ेदार आलू बनेंगे, आप विश्वास रखिए, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। तो ये तड़का भी हमने दे दिया।
अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर बाद में सर्विंग बाउल में इसे निकाल लें और फिर उसके ऊपर हरा धनिया पत्ता डालिए। मगर उससे पहले थोड़ा सा नींबू निचोड़ना मत भूलिएगा, नींबू से इसका चटपटापन जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा चटपटा, ये आलू हमारा बनकर तैयार है। तो व्रत उपवास के मौसम में आप इसे ज़रूर आजमा सकते हैं और ऐसे खा सकते हैं। तो देखिए ये अब खाने के लिए तैयार है। हमने हरा धनिया पत्ता भी काट कर इसके ऊपर डाल दिया है। अब देख कर ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो आप ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी रेसिपीज़ मिलती रहेगी। तब तक कीप बिंजिंग, कीप कुकिंग।